afternoon. Chaka, good morning, by the way. Good morning. Good morning. सुबह की सैर हो रही है भाई. सुबह सैर करें मेरे चनी. चल बाय बाय. Hey guys, welcome back to the channel. और आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं डबरा क्योंकि वहाँ एक स्पेशल ऑडिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इंडियाज बीट डांसर की तरफ से. तो स्पेशल लोगों के लिए है, स्पेशल ही होगा ऑफकोर्स. और लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ऑडिशन के लिए. अपना घर करके वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे सब एक दूसरे को प्रभु जी करके बुलाते हैं. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस मेरा होता है वहाँ पर. और होप फॉर द बेस्ट. सो सी यू गाइस देयर. ओके कर लेते हैं, खा लेते हैं और दूध वाला भी आगे लेके. ऑल सेट. बस मास्क पहनती हूँ और मैं निकलती हूँ अभी. ठीक है, 9 बज के 10 मिनट हो चुके हैं. फिलहाल तो मैं घर से निकल चुकी हूँ लेकिन अभी भैया को मेन रोड पे मिलना है मुझे. एक्चुअली में हम लोग आ तो गए हैं डबरा के अंदर. हम लोगों ने एंटर कर लिया है और फिलहाल अभी जो रोड है वो काफी खराब हो रही है तो देखते हैं कैसा क्या रहता है. अभी आगे जाएगी या नहीं जाएगी, गली जाएगी ना. फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा क्या रहता है. ठीक है, चलो सामान अभी निकालना है या बाद में. अभी रहने देते हैं ना, बाद में आके कर लेंगे. ले चलते हैं, जो जरूरत होगा लग जाएगा. नहीं होगी नहीं लगेगी. दो चार ये लेते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं चल के व्यवस्था वगैरह. अरे बिल्कुल दिखा रहा है. बड़े आदमी पे तो बड़ा वजन होना चाहिए. अच्छा तो मैक्स हो गया. बहुत देर बड़ी बड़ी चीजें देख के ऑमलेट निकाल दी मेरे लिए. भाई साहब कछु वजन नहीं है ना. तो जीत मार बड़े आदमी सही है पहलवान. पहलवानों के लिए तो क्या जिम में ज्वाइन जा. मैं 500 रुपए जिम में ज्वाइन जा. चलो जिम का कुछ काम तो आना चाहिए ना. और भाई साहब चलो चलो चक्कर लगा. आज सोचा कि चलना तुम. मैं तो देख ही रही हूँ. मेरे को ये नहीं पता चल रहा ना इसमें रिकॉर्ड किस एंगल में हो रहा है. ये कॉमेडी वाला सीन है. राम राम जी. राम राम जी. डांस के लाने आए हैं. अच्छा, अरे सर डांस कर रही है. अच्छा हाँ. अच्छा नमस्ते. राम राम. नमस्ते. वसी आपसे मिलने आए लोग. नमस्ते. चले हमारे साथ चलोगे आप? नहीं मेरे साथ नहीं. ये तो वीडियो ही बन गई. आप इतने क्यूट हो. बन गया ना. जिस आगे पार्वती को लेके योजना भी आप योजना को यहां ले लो. काफी ये योजना है उनके लिए खोलना है. उसका ये खर्चा है. राहुल यदि आपकी मांग को बजनावा काई हरि बनेगा. क्या बात है, हरि बनेगा. और नाम बोले के जारी आज बोलन गलाला.
तक गोरी राती लैया ललल का बताया काते काते बहुत प्यारी से लड़की जवानी मेरी गले ने लगा ले गले ने लगा ले कितनी किसी का सहारा करेगा। पहली परफॉर्मेंस हो गई है यहाँ पे। मैं नहीं डरती, बोल दो किसी से, बोल दो। हम लोग 6 बजे के करीबन घर पे आ गए थे और फिलहाल जो है मैं अपनी कॉफी पी रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको वहाँ की जो स्टोरी है वो बताती हूँ। हम लोग गए थे आज अपना घर, आज का जो सिस्टम होता है वो मैं आपको पूरा बताती हूँ कि कैसा क्या रहता है वहाँ पे। जब जैसे लोग होते हैं जिनको पेरेंट्स को जो मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को साथ में नहीं रखना चाहते है ना, तो उनको वो घर से निकाल देते हैं और रखते नहीं हैं अपने साथ में कि आप जाओ अपना देख लो जैसा भी है, तो वो रोड पर रहते हैं और कचरा खाते हैं। मतलब इतने दिन अगर वो रहेंगे बाहर कचरे पे जिंदा रहेंगे तो उनको सिर्फ कचरा ही अच्छा लगने लगता है। ऐसे हम बात कर रहे थे तो सर ने बताया था कि मतलब उनको अच्छा खाना आप दोगे तो वो खाएंगे ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं आएगा, तो ऐसी उनका सेंस ही ख़राब हो जाता है पूरा है ना। तो ये सब चीज़ें सुन के ना बहुत बुरा लगता है, पर जब अच्छे लोग होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि जब किसी का कोई नहीं होता तो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले
हमेशा हर जगह नहीं आ सकते तो वो अपने फरिश्तों को भेजते हैं, तो इस तरीके से लोग फरिश्ते बन के आते हैं लोगों की ज़िंदगी में। और वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं आज की डेट में, और वहाँ डबरा में ही नहीं और काफ़ी जगह पे यूपी वगैरह साइड में, राजस्थान में काफ़ी जगह पे सारे शेल्टर बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे एक खास बात है कि जो भी रेस्क्यू करके आते हैं वहाँ पे लोग, उनको सबको प्रभु जी बोला जाता है। यस, उनको सबको प्रभु जी बोलते हैं। और ये सच भी है कि वहाँ जाके मुझे लगा ही नहीं कि हम लोग उनसे पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम काफ़ी सालों से उनको जानते हैं, है ना। तो ऐसी फीलिंग आई नहीं कि हम ऑडिशन देने आए हैं, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से, एक पॉइंट ऐसा आया था कि मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उन लोगों की डांस वगैरह की, तो जब वो डांस कर रहे थे ना तो वो खुल के डांस कर रहे थे, उनको कोई भी चिंता नहीं थी कि सॉन्ग कौन सा बज रहा है, उसकी क्या वर्डिंग है, वो मैटर ही नहीं करता। उस समय पे ऐसा लग रहा था कि सारी चिंताएं भूल के बस इन्हीं को देखते रहो, और इतना खुश हो गया था ना मन में, बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो भी वहाँ का स्टाफ वगैरह है, जो भी करते हैं, वो भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। और आप ज़रूर जाइए, अगर डबरा जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मैं ज़रूर बोलूँगी, आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा दिल को। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब प्रमोशन या उस तरीके से बोल रही हूँ, पर ज़रूर आपको दिल को सुकून मिलेगा अगर आप वहाँ जाओगे ना एक बार, आपको बार बार जाने का मन करेगा। और एक और चीज़ वहाँ की स्पेशल मैं आपको बताऊँ कि जैसे वहाँ पे कोई ज़रूरत का सामान होता है, अनाज वगैरह लाना होता है ना, तो अनाज वगैरह के लिए चिट्ठी लिखी जाती है। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, स्क्रीन पे आपको आ जाएगा, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे सारी ज़रूरत के सामान की लिस्ट बनाई जाती है और उनको वो प्रोवाइड हो जाता है। जी, उनको वो प्रोवाइड हो जाता है प्रभु जी के आशीर्वाद से। अब वो पता नहीं कैसे क्या, मुझे नहीं मालूम उसका लॉजिक क्या है, बट कहीं से भी अरेंज हो जाता है वो चीज़। तो ये सब चीज़ें चमत्कार ही कह सकते हैं इसको, चमत्कार ही होता है ये सब चीज़ों का। और ज़रूर विज़िट कीजिएगा आप अगर डबरा जा रहे हैं तो, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा एक बार, अपना घर आश्रम करके है और वहाँ के लोग तो इनक्रेडिबल है, वहाँ के लोगों को आपको दे मतलब इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही होता, बहुत अच्छा लगा मुझे उन लोगों से मिल के, और बहुत दिल के साफ लोग हैं। एक टाइम ऐसा था कि मैं उन सबको देख के मेरी आँखों में आंसू आ गए थे कि इतने प्यारे लोग हैं और इनको कैसे कोई छोड़ सकता है, बताओ। मैं तो कभी नहीं चाहूँगी, और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कहीं पर रोड पे या फिर कहीं आसपास आपके एरिया में, तो आप इन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आएंगे अपनी टीम के साथ में, इनको रेस्क्यू करेंगे और वो वहाँ पे लेके जाएंगे, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, रहने खाने से लेके सारी चीज़ें रहती हैं। सो यही था आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, है ना। और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बन गई है आज, और अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अगर ये पता चलेगा ना, तो जो लोग मतलब ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो अपने खुद का सपोर्ट नहीं कर सकते तो दूसरे की मदद तो ले सकते हैं ना, तो उन लोगों तक ये बात पहुँच जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। Till then, good night, bye bye, take care.